हाय गाइस, ऑनलाइन हेल्प एंड ट्रिक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं जो लोन एप्लीकेशंस का रिव्यू दूंगा, इस एप्लीकेशंस का नेम है रॉयल क्रेडिट। तो गाइस, रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशंस पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशंस का लोन प्रोसेस लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है और ये एप्लीकेशन सच में लोन प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो गाइस, जरूर वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा। और गाइस, अगर कोई चैनल पर नए विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशंस को ओपन करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, यू कैन अप्लाई फॉर लोन 50,000 to 3 लाख। तो नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा सिलेक्ट लोन अमाउंट और सिलेक्ट लोन टेन्योर का ऑप्शन। तो ये पे लोन अमाउंट और टेन्योर डे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं जो ये पे लोन अमाउंट सिलेक्ट किया 3 लाख और टेन्योर डे सिलेक्ट किया 36 मंथ के लिए। तो नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। ये पे पर्सनल डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स और बैंक डिटेल्स फिल करना होगा। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, योर लोन एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग। तो गाइस, इस टाइप का इंटरफेस आने के बाद कुछ देर बाद रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशंस की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है और लोन अमाउंट बैंक खाते में पाने के लिए आगे का जो प्रोसेस है आपको कंप्लीट करना होगा। यानी लोन अमाउंट बैंक खाते में पाने के लिए आपको पहले एक प्रोसेसिंग फी पे करना होगा। तो अगर आप लोग रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशंस की तरफ से आप जो भी लोन अमाउंट सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से अगर आप लोग इस एप्लीकेशंस पे लोन पाने के लिए पहले प्रोसेसिंग फी पे कर देते हैं तो आगे जाके रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशंस की तरफ से आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ लोगों को ज़्यादा लोन अमाउंट देने के नाम पे लोगों से पैसा ले लेता है और आगे जाके लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो गाइस, रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है और आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें और लोन के लिए पहले प्रोसेसिंग फी पे ना करें। तो गाइस, अभी आप लोगों को मैं रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन का रिव्यू दिखाऊंगा। रिव्यू देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो ये पे देख सकते हैं, एक बंदा रिव्यू दिया कि इन्होंने इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए प्रोसेसिंग फी पे कर चुका है बट आफ्टर 24 आवर्स के अंदर रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन की तरफ से ना लोन मिला है ना इस एप्लीकेशन की तरफ से किसी भी तरह की रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो इसी बात में पता चलता है कि रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन नहीं है, ये एक फेक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करता है। नीचे और रिव्यू देख सकते हैं, ओस्ट फ्रॉड एंड फेक ऐप डोंट एवर इंस्टॉल। तो इन्होंने ये कहे कि ये एप्लीकेशन फ्रॉड एंड फेक है और आप लोग इस एप्लीकेशन को कभी भी इंस्टॉल ना करें। नीचे और रिव्यू देख सकते हैं, फ्रॉड एप्लीकेशन। नीचे और एक रिव्यू पे ये कहा गया कि फेक प्रोसेसिंग फीस 1,150 रुपीज़। तो गाइस, रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में क्रिटिकल पे जितने सारे रिव्यू दिया गया है हर एक रिव्यू पे ये कहा गया है कि रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ लोन के नाम लोगों से प्रोसेसिंग फी ले लेता है और आगे जाके लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो गाइस, रॉयल क्रेडिट एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है और आप लोग कभी भी इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें और लोन के लिए पहले प्रोसेसिंग फी पे ना करें, नहीं तो आप लोगों के साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। तो गाइस, यही था आज का एक छोटा सा जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।